शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे शादी करूंगा मैं। ठीक है, तो फिर ये वाली लड़की कैसी है? नहीं भाभी, इसने वो बात कहा। क्या, आधे घंटे से लड़कियां रिजेक्ट करते जा रहे हो, एक भी लड़की नहीं पसंद आ रही तुम्हें? आखिर कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? बिल्कुल आपके जैसी। वो तो किस्मत से मैं छोटा पैदा हो गया। अगर बड़ा होता तो आप ही मेरी बीवी होती, ना कि भैया की। चुप कर बेशरम, कुछ भी बोलता है। अरे बहू, देवर भाभी तो ऐसा मजाक चलता ही रहता है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? भाजी आप भी। एक मिनट देखो तो ये। ये हुई ना बात, ये है बिल्कुल भाभी के टक्कर की। ये लड़की पसंद है तुम्हें? हाँ, लड़की में कुछ तो बात है। मम्मी देखो आप। हाँ, बहुत सुंदर है। तो ठीक है मम्मी जी, फिर मैं इस लड़की के घर वालों से बात कर लेती हूँ और मिलने का प्रोग्राम बनाती हूँ। या ठीक है ना? हाँ भाभी। अरे विशाल तुम? अरे ये माँ भी ना, टावल कहीं भी रख देती, बस वही लेने आया था। अच्छा। एक दिन तो आएगा भाभी जब मैं अपने हाथों से आपकी पीठ पे साबुन लगाऊंगा। थैंक यू। कैसी हो प्रिया? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ। लाखों में एक है मेरा देवर, पसंद आ गया ना तुम्हें? वैसे आप वर्क क्या करते हैं? जी मैं विशाल अभी अभी दुबई से आए, ये अपने बड़े भैया यानी कि मेरे पति के साथ वहीं पे थे। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और यहीं सेटल होना चाहते हैं। अब बस इनके लिए एक दुल्हनिया ढूंढ रही हूँ और अपने लिए देवरानी ढूंढ रही हूँ। देखो प्रिया, एक देवरानी नहीं, एक छोटी बहन ढूंढ रही हूँ और हमारी ना जॉइंट फैमिली है। बड़ा मजा आएगा तुम्हें। मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मुझे एक जॉइंट फैमिली की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ आती है। अरे वाह, तुमने तो ये बात बोलकर मेरा दिल ही जीत लिया। विशाल मुझे तो प्रिया बहुत पसंद है, अब फाइनल डिसीजन तो तुम्हारा है। अरे भाभी, अब आपने सिलेक्ट कर दी तो मेरी भी हाँ है। आपकी और मेरी चॉइस कोई अलग थोड़ी ना। ठीक है, फिर आगे की बात बड़े बुजुर्ग ही कर लेंगे। रिया, आप अपने मम्मी पापा को बोलना संडे को हम आपके घर आ रहे हैं। ठीक है भाभी। आप कॉफी लीजिए ना। हाँ। क्या मतलब पंडित जी, लड़की वालों को जल्दी है? अरे तो उनके हिसाब से थोड़ी ना शादी की तारीख फिक्स होगी। अरे पंडित जी, आप हमारी तरफ से बोल रहे हैं, ये लड़की वालों की तरफ से बात कर रहे हैं। क्या पंडित जी, आपको क्या लगता है दुबई कानपुर के बगल में है जो 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे? अरे भैया वहां जॉब करते हैं, शादी 3 महीने बाद ही होगी। और अगर लड़की वालों को मंजूर नहीं है तो बोल दो लड़कियों की कमी नहीं है दुनिया में। मुझे तो फोन। अरे ऐसे बात करते हैं क्या किसी से? हाँ पंडित जी, पंडित जी आप मेरी बात सुनिए, लड़की वालों को समझाइए कि बड़े भाई के बिना छोटे भाई की शादी नहीं हो सकती है। तो आप उन्हें समझाइए, बड़े ही समझदार लोग हैं, मान जाएंगे। जी पंडित जी। विशाल अपने भाई को फोन लगा के पूछे ना कि उसे कब तक छुट्टी मिल सकती है।
दुबई से फोन आ रहा है, लेकिन नंबर तो भैया का नहीं है। हेलो, क्या हुआ विशाल, सब ठीक तो है ना? किसका फोन आया है? भैया के ऑफिस से फोन था, साइट पे आग लग गई और भैया किसी वर्कर को बचाते बचाते खुद जल गए। मना करती थी ना जाओ विदेश, क्या करेगा पैसे का, वो मेरी बात नहीं माने। छोटे को तो जैसे तैसे मैंने बुला लिया और ये नहीं आया, और आई तो इसकी मौत की खबर। बेटी संभाल ले अपने आप को, हिम्मत से काम ले। मुझे पता है मेरा इस वक्त कुछ भी कहना तुम्हारे दर्द को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी जीनी तो है। तू घर चल मेरे साथ कुछ दिनों के लिए। मैं कहीं नहीं जा सकती, इस घर में यादें जुड़ी है मेरे पति की। अब यादें तो है जिनके सहारे मैं रह सकती हूँ। मैं नहीं चल सकती पापा आपके साथ, आप चले जाइए पापा। चली क्यों नहीं जाती मनोज यहां से? मेरी तो हिम्मत ही नहीं है आने की, भाभी का सामना कैसे करती कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो भैया की बरसी तक हमारी शादी नहीं हो पाएगी, हमारे घर वाले इतना लंबा इंतजार कर पाएंगे? पता नहीं विशाल, लेकिन वो रुके या ना रुके मैं जरूर रुकूंगी। थैंक्स फॉर, पर अब मुझे पूरे घर को संभालना होगा। भैया को गए हुए एक महीना हो गया, भाभी के चेहरे से तो जैसे हंसी ही गायब हो गई है। उनके पति गया विशाल, उनकी पूरी जिंदगी सूनी हो चुकी है, तो मैं कैसे खुश रह पाएगी? नहीं, मैं उनकी जिंदगी बेरंग नहीं होने दूंगा। अभी उम्र ही क्या है उनकी। ये कपड़े तो भैया के हैं। हाँ पता है, कैसा लग रहा हूँ भैया के कपड़ों में, बिल्कुल भैया जैसा ना? अभी मुझसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जा रहा, तुम पहले जैसी नॉर्मल कब होगी? पता नहीं। तुम अपने गम में इतनी ज्यादा डूबी हुई हो कि ये भी भूल गई कि आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। नहीं ऐसे नहीं, वैसे विश करो जैसे हर साल करती हो, मुझे गले लगाकर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। माँ तो मामा के घर गई है, सिर्फ हम दोनों ही हैं सेलिब्रेट करने के लिए।
क्यों प्रिया क्यों नहीं आ रही? प्रिया का पता नहीं उसका और मेरा आगे क्या होगा, उसके घर वाले शायद नहीं मानेंगे। अरे वो इंतजार नहीं कर सकती तो तुम आगे बढ़ो। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाती हूँ। वो तो आप बनाओगी, मैं सोच रहा था वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे हर साल करते थे। अब मैं वोट कर लाया, तुम्हारे भैया थे पहले, अब ये सब कहाँ। भैया तो अब भी साथ में, बस मानने भर की देर है। प्लीज भाभी मान जाओ, मेरा बर्थडे है, मेरी इतनी छोटी सी विश पूरी नहीं कर सकती। चलो ठीक है, थैंक्स भाभी। आप भी अपना हाथ दो ना। नहीं नहीं तुम्हारा बर्थडे है। Happy birthday to you, happy birthday to you, Vishal. Happy birthday to you. Thank you. Chalo na. Happy birthday. Thank you. अब मैं पैक बनाता हूं। मेरे बर्थडे के ना अभी अपना गिलास दो। नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो गया, बस हुआ। अरे दो ना, आज मेरा बर्थडे है। अरे नहीं विशाल बहुत ज्यादा हो गया अभी। अरे अभी कहाँ हो गया भाभी, एक और बर्थडे है मेरा। मैंने क्या कर दिया विशाल? विशाल क्या हुआ? कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। जो भी हुआ उसे प्यार कहते हैं। ये गलत है विशाल,
तुम मेरे देवर हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे लोग क्या कहेंगे, ये सब गलत है विशाल। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक बार हाँ बोल दो। हरमान जी, उन्हें पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे। तुम उनकी फिक्र मत, मैं उन्हें मना लूंगा। और प्रिया? प्रिया की और मेरी सिर्फ बात चल रही है, अभी सगाई भी नहीं हुई हमारी। तुम एक बार अपने बारे में सोचो, प्रिया को तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, पर तुम्हारा साथ कौन देगा। मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। वैसे एक बार भैया की बरसी हो जाए तो मैं खुद माँ से बात करूंगा तुम्हारी शादी की। उनकी फिक्र छोड़ दो। तुम्हारे पीठ पीछे ये सब हो रहा है, बेशरम, बेहया। देवर के साथ मुंह काला करते शर्म नहीं आती? पति को मरे 2 महीने नहीं हुए और तुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं समझी कि तुम मैके क्यों नहीं जाना चाहती थी, वहां ये सब करने को नहीं मिलता ना तुझे। रुक, तेरी सारी करतूतें तेरे बाप को बता दी। माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पापा को कुछ मत बताइए। माँ जी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ जी माफ कर दीजिए ना। माँ जी ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रुकेगी। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को। माँ जी कभी मत दिखाना तुम। माजी दरवाजा खोलिए ना। माजी विश्रम, तू क्या कर रहा था उसके साथ? माँ मेरी गलती नहीं है, वो मेरे बर्थडे के दिन। हाथी ने मेरे नशे का फायदा उठाया और अगली सुबह जब मैंने उनसे कहा कि ये सब गलत हुआ तो मुझसे कहा कि अगर मैं चुपचाप उनकी बात नहीं मानूंगा तो सबको बोल देंगे कि मैंने जबरदस्ती की उनके साथ। ये क्या करता मैं, लड़का हूं, डर गया, कौन मेरी बात सुनेगा। चुपचाप उनकी बात मान गया। इतनी चोर गिरी हुई थी, कहीं नहीं होता कि इतनी गंदगी उसके अंदर भरी हुई थी। मेरे प्यारे बेटे को फुसला रही थी, ये तो अच्छा हुआ मैंने उसका असली रूप देख लिया। Thank you.
मेरी बेटा नीलम तुम क्या हुआ पापा इतना क्यों चौंक रहे हो अपने ही तो घर आई हूँ नहीं नहीं वो बात नहीं है तुमने मुझे फोन भी नहीं किया मैं तुम्हें लेने आ जाता आपको क्यों तकलीफ देती वो विशाल है ना विशाल मुझे छोड़कर गया था अच्छा विशाल आया था तो रुका क्यों नहीं हो वो उसको कोई जरूरी काम याद आ गया था इसलिए वो चला गया तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है क्या सोई नहीं तुम रात भर क्या पापा आप भी कितने सवाल करते हैं बहुत दिन हो गए आपके हाथ की चाय नहीं पी एक एक चाय हो जाए तुम बैठो मैं लेके आता हूँ चाय हेलो नीलम मुझे माफ कर दो कल अगर मैं कुछ भी बोलता या तुम्हें रोकने की कोशिश करता तो माँ बहुत हंगामा करती बस इसीलिए चुप रहा मैं समझ सकती हूँ और माँ जी भी अपनी जगह गलत नहीं है कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता तुम्हारे जाने के बाद माँ ने बहुत सुनाया मुझे तुम एक काम करो कुछ दिन अपने मायके में ही रहो मैं वही तुमसे मिलने आया करूँगा और इधर मैं धीरे धीरे माँ को मना लूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे ठीक है हाय प्रिया हाय विशाल कितने दिन हो गए मिले ही नहीं कहाँ हो तुम कल मिलते हैं ना मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है ओके विशाल बाय इतनी जल्दी मंदिर से कैसे आ गई हाँ चल यार माँ जी ने ऐसे देख लिया तो क्या कहेंगे कुछ नहीं शांत रहो देखो एक काम करो बाल 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 अपने सही कर वॉशरूम चली गई माँ अपने आपको देख के एकदम सही कर लो दरवाजा खोलता माँ को संभालता अरे दरवाजा क्यों बंद कर रखा था अंदर से शायद प्रिया ने बंद कर दिया होगा गलती से प्रिया ही है तो कहाँ है अब वो वॉशरूम गई ए आ भी गई जीत रो बेटा मैं तो कब से आप ही का इंतजार कर रही थी सॉरी वो आपको फोन करके नहीं आई वो पापा ने पूछवाने भेजा है कि एक साल का इंतजार तो लंबा हो जाएगा तो हम शादी 6 महीने में कर सकते हैं माँ तुम भी अकेली हो गई हो घर का सारा काम तुम अकेले करती हो मुझसे नहीं देखा जाता शादी हो जाएगी तो प्रिया घर का सारा काम संभाल लेगी और आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा ठीक है मैं पंडित जी से कह के जल्दी मुहूर्त निकलवाती हूँ मैं चलती हूँ आराम करती हूँ तो खुश हो ना अरे विशाल क्या कर रही हूँ माँ माँ देख लेकिन विशाल ये धीरे धीरे किससे बात कर रहा है हाँ वो प्रिया से और इतनी रात में किससे बात करूंगा वो क्यों रहा नहीं जा रहा अरे 1 महीना तो रह गया शादी को थोड़ा सबर कर ले अच्छा ये ले दूं पी लेना ये नहीं फोन पे लगा रहे सारी रात हाँ माँ पी लूंगा कट गया चलो प्रिया से बातें करते हैं इसका भी तो है नंबर
हेलो आप प्रिया? प्रिया भी ना कितनी देर तक बात करती है, सारी बैटरी खाली करती है। माँ, माँ नाश्ता तैयार कर दो, मैं नहा कर आता हूं। मिस कॉल नीलम के फोन से और 10 मिस कॉल उसके पिताजी के फोन से। अब क्या हो गया इन दोनों को? अब कौन सी आफत आ गई इन बाप बेटी पे? हेलो विशाल। हाँ हेलो। मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ जाओ प्लीज। अरे इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। क्या हुआ? कहाँ है वो? अंदर। पागल हो गया तुम? नस क्यों काट रही अपनी? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? झूठ बोलना बंद करो तुम। मुझसे प्यार का नाटक करके प्रिया से शादी रचाने जा रहे हो ना? अरे माँ को चुप कराने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनकी सभी बातें मान लूंगा मैं। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे बात तो की होती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए थे पर तुम्हारा फोन ही स्विच ऑफ हो गया था। आई एम सॉरी, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, पता ही नहीं चला। और ये सुसाइड नोट में क्या लिखा है? मैं आत्महत्या कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे प्रेमी विशाल ने धोखा दिया है। मैं और विशाल कुछ समय से प्यार में और वो मुझसे शादी का वादा करता रहा, लेकिन कल मुझे पता चला कि शादी प्रिया से हो रही है और उसने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। मैं इससे बहुत आहत हूँ, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। मुझे जेल भेजना चाहती हूँ, बस यही है प्यार तुम्हारा। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा मुझसे वादा करो, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और अगर मन में कोई बात होगी तो सबसे पहले मुझसे बात करोगी। तुम्हें अगर अभी मुझ पे विश्वास नहीं तो ये शक मैं अभी दूर किए देता हूँ, ठीक है? इसी वक्त तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। बस एक बार भैया की बरसी हो जाए उसके बाद सबके सामने तुमको अपनी पत्नी कबूल कर लूंगा मैं और घर लेकर जाऊंगा।
मेरी हिम्मत दे जाओ। पापा, मुझे क्षमा कर दो। विशाल को मैं अपना पति मान चुकी हूँ। तो खुश हो ना? प्रिया, अच्छा ये बताओ हनीमून के लिए कहाँ जाना है? गोवा या मनाली? मैं परसों की टिकट बुक करता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं जाएंगे हनीमून। क्यों? उसके लिए भी पंडित जी से मुहूर्त निकलवाओगी? अरे नहीं बाबा, अगले हफ्ते करवा चौथ है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला करवा चौथ मेरे घर में हो। हम लोग बाद में चले जाएंगे हनीमून पे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिलहाल अभी पे फोकस करते, अब हमें प्यार करने के लिए माँ से छुपने की जरूरत नहीं है। बेटी, चांद निकल आया है लेकिन विशाल अभी तक नहीं आया। तुम जरा फोन करके देखो तो। ठीक है पापा। फोन नहीं उठा रहा विशाल, शायद बाइक चला रहा होगा। थोड़ा इंतजार करती हूँ। देर हो चुकी है, अब वो नहीं आने वाला। तुम चांद को देख के पानी पी लो, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। नहीं पापा, मैं विशाल का इंतजार करूंगी। जब वो आएगा हम मैं उसी के हाथों से पानी पीऊंगी। और अगर वो नहीं आया तो नहीं पीऊंगी। मैं फ्रेश होके खाना लगा दूंगी। ठीक है। क्या नाटक है इसका? मैंने सोचा था थोड़ा टाइम पास करूंगा, लेकिन ये तो मेरे गले ही पड़ गए। और संभालना तो पड़ेगा कुछ दिन और।
12 बज गए, तुम खाना खा लो, नहीं आने वाला। कैसे नहीं आने वाला? विशाल, वाइफ है मेरी। क्या हुआ तुम्हें ये? तुम ठीक तो हो ना? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया था तो बाइक भगा कर ला रहा था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया बस। अच्छा चलो, तुम चांद देखो और जल्दी से अपना व्रत खोलो, ठीक है? चलो। भाभी आप ऐसा क्यों पूछ रही हो विशाल को? आप होती कौन हो विशाल को ऐसा पूछने वाली? मैं इसकी बीवी हूँ। बीवी? इसने मेरी मांग में सिंदूर भरा है और ये मंगलसूत्र डाला है मेरे गले में, और तुम इसके साथ क्या कर रही हो यहाँ पे? ये क्या बोल रही विशाल? ये झूठ बोल रही है। भाभी ऐसा क्यों बोल रही हो? प्रिया मेरी वाइफ है, उसके सामने ऐसा क्यों कह रही हो आप? तो मैं कौन हूँ? तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा है और मंगलसूत्र डाला है। भाभी प्लीज धीरे बात करिए और हंगामा मत करिए। हंगामा? मैं हंगामा कर रही हूँ? विशाल तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बच्चा? और इस बार मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, सीधा पुलिस के पास जाऊंगी, अपने हक के लिए जरूरत पड़ने पर अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट भी कराऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, देख लेना। तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ किया? अरे प्रिया मेरी बात तो सुनो, तुम भी किसकी बातों में आ गई? भैया के जाने के बाद भाभी का मानसिक संतुलन जा चुका है, तब से मुझे ही अपना पति समझ रही है। देखो शुरू में तो मैंने सोचा नाटक करने से अगर ये ठीक होती है तो नाटक करने में क्या अर्ज है, लेकिन जब इनका पागलपन हद से ज्यादा बढ़ गया तो मैंने और माँ ने मिलकर इनको इनके मायके भेज दिया। तभी तो हमारी शादी में इनके घर से कोई आया नहीं था। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? चलो माँ से पूछ लो जल्दी, चलो। और वो जो बच्चे की बात कर रही थी उसका क्या? तुमसे कहा ना उनका मानसिक संतुलन जा चुका है, वो क्या बोल रही है उन्हें खुद नहीं पता है। नीलम मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम धोखा दे रहे हो मुझे, शादी कर ली तुमने। अब देखो देखो मैं क्या करती हूँ। अरे तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, माँ ने जबरदस्ती शादी कराई है मेरी, और मैं तुम्हें डर की वजह से कुछ बता नहीं पाया, कहीं तुम फिर से आत्महत्या ना करने बैठ जाओ। पर जब से मुझे बच्चे के बारे में पता चला है मुझे बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए पर। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, पर अब मैं ये गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए, लेकिन माँ कभी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी, तो हमें घर से भागना होगा। तुम सच बोल रहे हो ना? क्योंकि मुझे तुम्हारी अब किसी भी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हारी कसम नीलम, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। बस तुम एक काम करना, ठीक है? वक्त आ गया है भाभी तुमको ठिकाने लगाने का। विशाल बेटा मैं क्या सुन रही हूँ? अरे बहू कह रही थी कि तुम्हें नीलम मिली थी, बड़ा हंगामा कर रही थी, कह रही थी कि माँ बनने वाली हो। पता नहीं किसका बाप लेके घूम रही है, आपसे बताया तो था मुझे पाना चाहती है तभी ये सब कर रही है। ये तो तेरा बसा बसाया घर उजाड़ देगी,
इसका तो कुछ करना पड़ेगा। इसका परमानेंट इलाज मैंने सोच लिया है और प्लान भी बना लिया है। तुम बस एक काम करना, एक सुसाइड नोट लिख देना कि तुम जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर रही हो। इससे क्या होगा, तुम्हारे फादर तुमको ढूंढेंगे नहीं और पुलिस भी इन्वॉल्व नहीं होगी और हम एक साथ सुकून से रह सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं तू? तेरा दिमाग तो सही है ना? अरे ऐसा बोला है, सच्ची में थोड़ी ना करने वाला हूँ। तो फिर? फिर क्या? इसे मार कर कहीं दफन कर दूंगा। सुसाइड नोट देखकर लोग यही सोचेंगे खुद ही मरने के लिए घर से गई होगी। मुझे देर तो नहीं हुआ आने में? नहीं, पर तुमने मुझे इतनी सुनसान जगह पे क्यों बुलाया है? अरे वो सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ चिट्ठी लिखी तुमने? हाँ हाँ। दिखाओ। वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है ना? हाँ, चलो बैठो बाइक पे। हाँ। छोड़ इसको। अच्छा किया इंस्पेक्टर साहब आपने इसको पकड़ लिया। फिर तुम? हाँ मैं, मैंने तुम्हारी सारी प्लानिंग सुन ली थी। इसे मार कर कहीं दफन कर दूंगा। सुसाइड नोट देखकर लोग यही सोचेंगे खुद ही घर से मरने के लिए निकली होगी। और फिर उसके बाद मैंने तुरंत ये खबर नीलम को दी और फिर तुम्हारी ये सारी करतूत मैंने इंस्पेक्टर सर को बताए। लेकिन तुझे हम रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, वरना तू बच के निकल जा। इसलिए हमने नीलम से कहा कि तुझे धोखे से यहाँ बुलाए ताकि पूरे सबूत के साथ तुझे अरेस्ट कर सके। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में तुझे और तेरी माँ को मैं सजा दिला के रहूंगा। चल। मुझे समझ नहीं आ रहा प्रिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? तुमने मुझे बचाने के खातिर अपने पति को जेल भिजवा दिया। वो घटिया आदमी किसी का भी पति कहलाने लायक नहीं है। ना वो तुम्हारा पति था और ना ही वो मेरा पति है। मुझे उस जैसा घटिया आदमी अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। और अब मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी।